Hero Destiny 125, India's first scooter with advanced i3s technology, जो रुकने पर इंजन को ऑटोमेटिकली बंद करे, फिर स्टार्ट हो आसानी से और पेट्रोल बचाए। Hero Destiny 125। जिला कांगड़ा की तहसील फतेहपुर में तैनात नायाब तहसीलदार ओंकार सिंह पर आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने के करीब 20 दिन बाद चुनाव आयोग की नजर पड़ी, जिसके बाद उनका तबादला हो गया। आपको बता दें, चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार कोई भी अधिकारी संबंधित जिला में कार्यरत नहीं रह सकता, जिसके चलते उनका तबादला किया गया। उनकी जगह पर बनीखेत से संजीव कुमार तैनात किए गए हैं। इस दौरान संजीव कुमार ने बताया कि उनकी प्राथमिकता लोगों के काम को समय पर निपटारा करने पर रहेगी। इस दौरान फतेहपुर के रिटायर हुए नायाब तहसीलदार प्रेम शर्मा भी उपस्थित रहे। सर, सुना आपकी यहाँ से ट्रांसफर हो गई है ना? बिल्कुल जी। ये क्या, इसमें इलेक्शन कमीशन की हिदायत ही ऐसी है। अच्छा, आप इन डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। ये पहले भी हुआ करता था नायब तहसीलदार की ट्रांसफर इलेक्शन कमीशन की? सर, आपने फतेहपुर ज्वाइन किया आज से? जी सर, जी सर। तो बिल्कुल आज ही ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा लगा। इससे पहले आप? इससे पहले मैं डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में था, बीकॉम के, वहाँ पे लीडर में काम किया मैंने एक महीना। और इससे पहले मैं किलाड़ में था, किलाड़ पंगी से, वहाँ बैठ मैंने जॉब करके मैंने बीकॉम में आया, फिर आज मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है सुबह। तो बाकी क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी यहाँ? प्राथमिकता जो भी काम है लोगों के वो निपटाएंगे, रेवेन्यू से संबंधित जो भी काम है, जैसे कार वगैरह है पेंडिंग, तो कुछ भी काम है जो भी, तो लोगों को पूरी सहूलत जो है मिलेगी। बाकी आप लोगों का साथ रहेगा सर। थैंक यू सर। बेसिकली आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं बनीखेत से हूँ, गाजी में, डिस्ट्रिक्ट चंबा से। तो 86 में मैंने जो है नौकरी ज्वाइन की थी, 32-33 साल मेरी जॉब हो चुकी है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर आप लोगों के बीच काम करने का। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए फतेहपुर से सुरेंद्र मीनास की रिपोर्ट।